हेलो बच्चों, मैं हूं मुरादाबाद। आज फिर से आप लोगों के लिए लास्ट ईयर के पॉलिटेक्निक के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं, जहां पर बच्चों अभी मैंने आपको पहले वाली वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे, आई होप आपने वो कर लिए हो। अब मैंने कहा था कि मैं अगली वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ और नए न्यूमेरिकल लेके आऊंगा जो आप लोगों के लास्ट ईयर में आए हुए हैं। तो चलिए बच्चों, वो न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं, क्या वो न्यूमेरिकल आप लोगों के पास है, किस तरीके से रहने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास बच्चों, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के पास, वो आपको क्या कह रहा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। आपको क्या निकालनी है, डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है ऑफ अ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स 7.1.2 1, -1.5। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, तो क्या कह रहा है, आपको क्या निकालना है, हिंदी वालों के लिए द पाथ कोण ज्ञात करो, द पाथ कोण ज्ञात करो, ठीक है, द पाथ साइन कोण, ये चीज आप लोगों से कह रहा है कि द पाथ कोण द डायरेक्शन डीसी, इसको आप डीसी भी लिख सकते हैं, डायरेक्शन को साइन ज्ञात करो। तो बच्चों इसके लिए आप लोग एक फॉर्मूला याद रखेंगे, क्या, LMN, ये चीज आपको निकालनी होगी यहाँ पे, LMN, ठीक है बच्चों, ये चीज आप लोगों को यहाँ पर क्या करनी है, निकालनी है LMN। तो कैसे निकालनी है, तो देखो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, L1 अंडर रूट L1 का स्क्वायर M1 का स्क्वायर L1 का स्क्वायर कोमा M1 अंडर रूट L1 का स्क्वायर M1 का स्क्वायर L1 का कोमा N1 अंडर रूट में L1 का स्क्वायर M1 का स्क्वायर N1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद करना पड़ेगा। अब बच्चों ये L1 कैसे निकलेंगे, ट्रिपल हमने कहा कि भैया ये पॉइंट है आपके पास 7.1.2 और ये पॉइंट है आपके पास 1-1.5 क्यू, तो आपको इनके बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी, सबसे पहले डिस्टेंस दूरी, तो दूरी पॉइंट कैसे निकलेंगे, आप इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 1-7 फिर -1-1 फिर 5-2, ठीक है, तो 7 में से गए तो -6 -2 5-2 तो 3। तो बच्चों ये 3 पॉइंट हो गए जहां पर ये L1 M1 N1। अब क्या करना है, इसमें रख देंगे L1 की जगह माइनस का 6 अपॉन में अंडर रूट में माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस के 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कोमा M की जगह माइनस का 2 अंडर रूट में -6 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कोमा फिर n की जगह 3 रख देंगे अंडर रूट में -6 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ये चीज हम लोगों ने यहां पर रख दिया, जहां पर आपके पास -6 एज इट इज ये कितना हो जाएगा 36 +4 +9 कितना हो गया आपके पास 40 और 49, ठीक है, तो यानी 49 आ गया, 49 का अंडर रूट कितना होता है बच्चों 7, तो कितना आ गया आप लोगों के पास 7, ये कितना हो गया माइनस के 2/7 ये भी 7 हो जाएगा और 3 ये बच्चों कितना हो जाएगा 7, तो यही क्या निकालने थे आपको, डीसी कोण का डीसी डायरेक्शन कोसाइन निकालने थे, दिक पाथ कोण निकालने थे, तो आई होप आपको ये वाला न्यूमेरिकल यहां पर समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल, तो जो दूसरा न्यूमेरिकल आप लोगों से पूछा गया है वो कैसे पूछा गया उसको हम लोग देखते हैं। तो बच्चों दूसरा न्यूमेरिकल है आप लोगों के पास 1/e^4 लिमिट 1 से e 1/x dx का इंटीग्रल करना, तो इसका इंटीग्रल 1/x का इंटीग्रल कितना होता है log x, ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, और 1 और e अपन लिमिट और लोअर लिमिट, अब आप क्या करेंगे अपन लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट, अपन लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
तो जहां पर log और e कट जाएंगे ये बच गया वन, और log वन का वैल्यू बच्चों जीरो होता है, आंसर कितना आ गया आपको के पास वन। तो ये दूसरा न्यूमेरिकल था आप लोगों के पास जो आप लोगों को यहाँ पर करना था। चलिए अब हम लोग तीसरा न्यूमेरिकल देखते हैं, क्या तीसरा न्यूमेरिकल आप लोगों के पास आने वाला है। तो देखो तीसरा न्यूमेरिकल बच्चों आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ आ ट्रायंगल। ठीक है, आपको त्रिभुज के केंद्रक बिंदु ज्ञात करने हैं, या तो त्रिभुज के ट्रायंगल के केंद्रक पॉइंट सेंटर पॉइंट फाइंड करने हैं, जहां पर आपके पॉइंट क्या है 2.31, 2.05, 4.-1, क्या है 4.-1 और 3, ये तीन पॉइंट बच्चों आपके पास है, और आपको क्या कह दिया ट्राइंगल के त्रिभुज के सेंट्रोइड ज्ञात करने हैं, केंद्र बिंदु ज्ञात करने हैं। तो क्या है बच्चों इसके लिए फॉर्मूला याद रखोगे, आपको निकालना है एक्स वाई जेड पॉइंट, जहां पर आप फॉर्मूला याद रखोगे x1+x2+x3/3, y1+y2+y3/3, फिर z1+z2+z3/3। ये फॉर्मूला याद रखना है किसके लिए, सेंट्रोइड के लिए, केंद्रक के लिए, जहां पर x1 कितना है 2, x2 2, x3 4, तो 2+2+4 अपॉन 3, y1 y2 y3 3+0-1 अपॉन 3, z1 z2 z3, तो z1 1 5+3/3, तो जहां पर आप इसको सोचेंगे 4 8 8/3, 3 में से 1 गया 2 2/3, ये कितना हो गया 6 और 3 9 2/3। तो यही बच्चों केंद्रक पॉइंट, यही सेंट्रल पॉइंट त्रिभुज के ट्रायंगल के आपके पास मिल गए, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारे फॉर्मूले बेस आपके पास न्यूमेरिकल आने वाले हैं। तो यही न्यूमेरिकल आप लोग करके जाने जाए तो आप लोग अच्छे नंबर से क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। अब देखो दूसरा न्यूमेरिकल, तीसरा चौथा न्यूमेरिकल क्या आप लोगों के पास मिलेगा, चौथा न्यूमेरिकल बच्चों क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, कौन कौन से पॉइंट है आप लोगों के पास 3, 4, 5 एंड -1, 3, -3, आपको क्या निकालनी है दूरी ज्ञात करो इनके बीच में, इन पॉइंट के बीच में दूरी ज्ञात करिए, फाइंड डिस्टेंस। तो देखो बच्चों दूरी के लिए, डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला x2-x1² y2-y1² z2-z1² बस ये फॉर्मूला याद रखना है, और ये क्या हो गया x1 y1 z1 x2 y2 z, तो x2 कितना है -1, x1 कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, y2 कितना है 3, y1 कितना है 4 का स्क्वायर, z2 कितना है -3, z1 कितना है 5 का स्क्वायर। बस अब इसको सॉल्व कर देंगे, -3 -1 तो -4 का स्क्वायर, 4 में से 3 गया -1, -8 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करो 4 का स्क्वायर 16, इसको सॉल्व करो 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64, तो कितने होंगे 65, और 65 में आप क्या जोड़ दो 16, तो कितने √81, तो 9 यूनिट इकाई, 81 का स्क्वायर कितना 9, तो 9 इकाई बच्चों इसका आंसर होगा। तो 4 क्वेश्चन आप लोगों के पास यहाँ पर आपको मिल चुके हैं, जहां पर आप लोगों को इन्हें सॉल्व करना होगा। चलिए पांचवा न्यूमेरिकल क्या है बच्चों आपके पास, -1 1 x³ 3 1-x²dx, ये चीज है आपके पास, तो इसको इंटीग्रल करना है, इसको हल करना है, तो आप क्या करेंगे -1 as it is, इसके अंदर मल्टीप्लाई x³, इस किसमें मल्टीप्लाई x³dx, तो क्या हो गया x³ में 1 जोड़ोगे 4 अपॉन 4, ये पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं, इसमें 1 जोड़ोगे 6 अपॉन
अपॉन छ माइनस वन और एक, तो आप क्या करेंगे अपर लिमिट रख देंगे एक बटे चार, एक पच्चीस आ गए आपने, एक्स की वैल्यू एक रखनी है पहले, फिर माइनस एक्स की वैल्यू माइनस वन रखनी है, माइनस वन की पावर फोर बाई फोर, माइनस माइनस वन की पावर सिक्स बाय सिक्स, ये आपने रखी। अब एक की पावर चार यानी एक अपॉन चार, एक की पावर छह यानी एक अपॉन छह, माइनस एक की पावर चार माइनस में तो प्लस के एक आ जाएगा, ये भी कितना जाएगा प्लस का एक हो जाएगा। अब आप इसको सोल्व करो, एक बटे चार एक बटे छह प्लस माइनस माइनस एक बटे चार माइनस माइनस प्लस, तो क्या होगा बच्चों ये सारी चीज आपस में कट गई और इसका आंसर आप लोगों के पास कितना आ गया जीरो आ गया। तो आई होप आपको ये पांच न्यूमेरिकल यहां पर समझ में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन्हीं सारे न्यूमेरिकल्स को आप लोगों को दोबारा करके एक बार अप्लाई करना है, ठीक है, और इनकी प्रैक्टिस करते रहे बार बार, यही क्वेश्चन अगर आप लोग करते हैं तो इसी पैटर्न पे बस क्या हो सकता है डिजिट चेंज आ सकती है, वरना करने का तरीका सबके न्यूमेरिकल फॉर्मूले यही आप लोगों को वहां अप्लाई करना है, इसके बाहर आप लोगों को कुछ नहीं अप्लाई करना, जैसे बस वैल्यू है तो यहाँ पे अदली बदली हो सकती है, वैल्यू चेंज हो सकती है, फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक है। तो कर लेंगे आप लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ।